हम भागनाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। आज तक सुना ही था कि प्रशासन का जो दुरुपयोग किया जाता है, वास्तव में आज प्रैक्टिकली उसे देख भी लिया। ये तमाचा है उस प्रशासन के मुंह पे जो अपने अधिकारों को नहीं जान रहा है। किस अधिकारी ने या किस जो कहते हैं कभी भी कि ऊपर से आदेश आया, किसका आदेश आया वो बताए, किस प्रकार का आदेश आया और किन क्या हमने किस जो कंडीशन थी हमारी या जो आचार संहिता की कंडीशन थी उस कंडीशन का हमने अगर कोई उल्लंघन किया है तो आप वो बता दीजिए, वो प्रूफ कर दीजिए। ये जिस प्रकार की जो तानाशाही है, जिस प्रकार का रवैया प्रशासन का है, जिस प्रकार का रवैया सरकार का, सरकार ये चाहती है कि अगर कोई प्रदेश के अंदर पीड़ित है, अगर प्रदेश के अंदर कोई दुखी है तो वो अपनी आवाज ना उठाए, सरकार ये चाहती है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तो नहीं होगा कि अगर कोई पीड़ित है, दुखी है तो वो अपनी आवाज को उठाएगा। हम लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं, प्रदेश के तमाम जिलों में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बागेश्वर में ही आए हैं, हम प्रदेश के तमाम जिलों में जा रहे हैं। हम उत्तरकाशी में गए, हम टिहरी में गए हैं, हम अल्मोड़ा में गए थे, हम हल्द्वानी में गए, हम तमाम जगह जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अभिभावकों से मिल रहे हैं कि भाई जो हमारी सीबीआई जांच की जो मांग है, जो भर्ती घोटालों में जो लिप्त लोग हैं, उन लोगों को सलाखों के पीछे सरकार पहुंचाने का काम करें। देखिए, प्रशासन ने जो भी काम किया होगा, गिरफ्तारियां की होगी, सरकार के इशारे पर कही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार से हमारी लड़ाई कोई ऐसी नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, सरकार से हम पारदर्शिता मांग रहे हैं परीक्षाओं में, सरकार से हम अच्छा एक सिस्टम मांग रहे हैं। उस व्यवस्था की लड़ाई के लिए हमारी सरकार से पूर्व में भी लड़ाई रही है, वर्तमान में भी चल रही है और भविष्य में ये परिस्थितियां सही नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, ठीक नहीं किया जाता, भविष्य में सरकार से लड़ाई रहेगी, सरकार कोई भी हो। सरकार आज भाजपा है, कल कांग्रेस होगी, कोई परसों कोई आम आदमी हो, कोई भी दल हो, सरकार किसी भी दल की हो, अगर सिस्टम ठीक नहीं किया जाएगा, सिस्टम के खिलाफ बोलना, सिस्टम के खिलाफ लड़ना, सिस्टम को सुधारने के लिए हम अपनी आवाज हमेशा बुलंद करेंगे। और प्रशासन को यदि अपने पदों का दुरुपयोग इस प्रकार से करना है तो करें। आज पूरे प्रशासन के मुंह पे तमाचा ये लेख लगा है कि किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से जो एक हम लोगों को बदनाम करने के लिए, हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो कोशिश की गई थी वो नाकाम रही, और इस पूरी कोशिश का कल पर्दाफाश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करा जाएगा।